अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरियन टेक 24। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ था, ये दोस्त है मेरे साथ अज़र भाई, आपने पहले भी इनको देखा होगा मेरे साथ वीडियो में। तो आज मैं इनके पास आया था, तो ये इनके पास एरिया है, ये बताएंगे इसके बारे में कुछ कि क्या नाम है इसका, क्योंकि ये ज़्यादा इधर घूमते फिरते हैं, काफ़ी रश वाला एरिया, इधर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, होटल वगैरह हैं। और ये किन चीज़ों की वजह से मशहूर है ये थोड़ा सा अज़र भाई बताइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम आ गए हैं इस टाइम पे जी इंगेदोंग में, ये सुबोन का एक फेमस एरिया है, इसमें मतलब होटलिंग है, कुछ शॉपिंग मॉल्स हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें, कुछ गेमिंग वगैरह हैं, तो फॉरेनर्स हैं वो लाइक करते हैं इस एरिया में आने आके, तो ये एरिया उनको पसंद है। तो बाकी इंजॉय करें आप लोग भी, देखें वीडियो, हम भी आए हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं इधर, ले माद भाई। और दूसरा ये है कि इधर असल में ना सैटरडे है आज, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इस वक्त यहाँ। क्यों अज़र भाई, इतना टाइम ज़्यादा होने के बावजूद भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है इधर, और जितनी भी यंग लोग हैं इधर वो सब के सब जो हैं इधर आके इंजॉय कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें इधर मिलती हैं, और खाने पीने की चीज़ों के अलावा अगर आप कोई गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो करने के लिए आपको जगह मिलेंगी यहाँ पे। और कुछ बताएं अज़र भाई इस जगह के बारे में ज़रा, कि क्यों लोग इतने इधर जमा होते हैं सैटरडे का दिन है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया। अगर हम सोचें कि पाकिस्तान में अगर रात के 12 बज रहे हों तो इतने लोग कहाँ मिलते हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये वजात करता चलूँ कि ये बेसिकली कोरिया के सिटी में है, तो कोरियंस का ये कल्चर है कि वो वीक डेज़ में अपना खूब काम करते हैं, और जो वीकेंड आ जाता है तो उसको स्पेशली इन्जॉय करते हैं। स्पेसिफिकली ये सैटरडे जो है इनका, तो उसमें ये लोग बार्स में, क्लब्स में, पब्स में जाके तो मतलब इन्जॉयमेंट करते हैं, तो ये बेसिकली इस एरिया में वो भी आ जाती हैं चीज़ें। और फॉरेनर्स जो हैं वो लव, फॉरेनर्स जस्ट लव टू स्पेंड देयर टाइम हियर, तो इसलिए भी ये एरिया फेमस है। और इंटरनेशनल ब्रांड बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में, शॉपिंग के रिलेटेड अगर देखा जाए तो सुवान में ये अच्छा एरिया है, होटलिंग के रिलेटेड देखा जाए अच्छा एरिया है, इस तरह की मतलब चीज़ें हैं इसमें। नमस्ते अन्यवासे हो। अच्छा, वो ना साथ एक बंदा गुजरा तो वो कह रहा है मैं नमस्ते, ना वो समझ रहा है कि शायद हम इंडिया के रहने वाले हैं या कहीं कहाँ के रहने वाले हैं ना। असल में अज़र भाई इस वजह से उसने कहा है ना कि इधर काफ़ी ज़्यादा होटल हैं, वो पीछे रह गए हैं मेरे ख्याल में, उनसे मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा ना इधर होटल हैं मेरे ख्याल में जो ना इंडियंस के, ना जिस वजह से ये इसने ये बात बोली है ना। हाँ। क्योंकि अभी वक्त के साथ साथ ये इन्होंने हमारा जो एशिया का फूड है, जो पाकिस्तानी और इंडियन, ये खाना स्टार्ट कर दिया, और बड़े मज़े से खाते हैं और बताते भी हैं, स्पेशल खाने जाते हैं, बल्कि अभी मैंने कई दफ़ा देखा है जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं पाकिस्तानियों के, तो उसमें कोरियन बैठे होते हैं। दूसरा ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर ये कॉफ़ी शॉप्स हैं इधर साइड में, अगर आपने करना हो, फिर उसके बाद ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कि ये सारा मेन्यू है जो लगा हुआ है कि आपको इधर से क्या क्या मिलेगा। तो उसके बाद जो है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इधर खाने पीने की चीज़ें हैं। हाँ जी, असल में अज़र भाई जो है ना, मैं ज़्यादा व्लॉगिंग करता नहीं हूँ, ज़्यादा मेरा जो होता है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ही होती हैं, बल्कि आज आपके साथ मिले हैं तो वो वीडियोस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। जो आपने बताया था कि जो लड़के लोग स्टडी पे आते हैं तो कैसे वो जो है वीज़ा हासिल कर सकते हैं रेजिडेंस शॉर्ट टर्म, तो वो भी हम बताएंगे, अभी थोड़ी देर तक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी अपलोड करेंगे। पहले ये थोड़ा सा घुमाते हैं लोगों को, दिखाते हैं। तो ये आप कुछ बताएं ना इस एरिया के बारे में, क्योंकि आप ज़्यादा इधर जो है ना
घूमे फिरे हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा ठंड अभी बहुत ज़्यादा लग रही है। हाथ जो है ना, हाथ अभी मेरे बहुत ठंडे हो चुके हैं। हाँ, अभी मैंने आने से पहले देखा था, वो बता रहे थे कि आज 12 बजे के बाद -1 हो जाएगा और कल -2 होगा, फिर 3, इसी तरह जाते 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 जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है काफ़ी। तो अभी दिसंबर तो आ रहा है 8-10 दिन तक, बल्कि जल्दी आ रहा है, तो सर्दी तो अभी ज़ाहरी बात आएगी। तो ये वो एरिया है कि जहाँ बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों ऐसा ही है ना। तो ये हमारे साथ भी दो दोस्त हैं, आप भी अपना तारफ़ करवाएं जी। हाय जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है और मैं यहाँ पे PhD कर रहा हूँ स्कूल ऑफ मेडिसिन में। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोग हमें मिलने आए हैं, और तो ये इलाका बड़ा खूबसूरत है कोरिया का, और यहाँ से आपको भाई मैं अपना मास्क उतार देता हूँ। तो इस इलाके को देख के ऐसा लगता है कि इस टाइम पे कि ये कोरिया कितना सेफ़ है, यहाँ के लोग देखें कितने खुश जवान और कितने दिल जवान लोग हैं। तो अच्छा इलाका है बस, और कोई मजीद आपका आने का हमारे चैनल पे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप आए हैं। नहीं परदेश में एक पाकिस्तानी को मिलना ये बड़ी बात है जी। जी ये तो है, बड़ी खुशी हुई मिलके आपसे। आपको भी वैसे आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ कोरिया में, लेकिन देखें अब आस्ता आस्ता ये आप लोगों देख ही सीखना सारा कुछ जी। जी ये अजहर भाई के पास आप आ गए हैं ना, ये अभी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे ना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्रमोट करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मैं और अजहर भाई अपना यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च करेंगे। जी 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 जी, बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये भाई बताएंगे। जी जी, इसी चैनल पे आपको जो है उसका लिंक भी मिला करेगा, और अपडेट जो भी हुआ करेगी वो इंशाल्लाह हम इसमें बताया करेंगे। उसमें ये होगा कि जो लोग स्टडी के रिलेटेड जानना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन इधर से मिलेगी GKS की, और उसके बाद जो सेल्फ स्टडी पे आना चाहते हैं कैसे आपने अप्लाई करना सारा बताएंगे। जो बेसिक जो मालूमात है स्टडी के हवाले से जो हमने फेस की हैं वही तजर्बात को लेके आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ प्रमोट कीजिएगा, वो आप लोगों के लिए और आप जैसे बहुत से लोगों के सवालात हैं जो जिनके जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। जी 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 जी, और कोरिया को एंजॉय करें। जी जी बिल्कुल यही बात है, बहुत सारे लोग हैं खासतौर पर लड़कियां बहुत हैं जो आना चाह रही हैं। के लिए ये कंट्री बहुत सेफ है। हाँ हाँ हाँ, तो के लिए कंट्री बहुत ज़्यादा सेफ है। बाकी जो मज़ीद इसके बारे में है वो आप बताया करेंगे अपने चैनल पर इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपका चैनल बनाएंगे हम, और अजहर भाई भी जो है ना वो बताएंगे, क्योंकि अजहर भाई के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर वर्क परमिट के ऊपर आप आना चाहते हैं, क्योंकि अभी लड़कियों के भी वीज़े आना स्टार्ट हो गए हैं, दो गर्ल्स हैं जिनके वीज़े आए हैं और वो बहुत जल्द आने वाली हैं अभी जो है ना कोरिया में, क्योंकि उनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो वर्क परमिट के रिलेटेड आप इस चैनल पे क्वेश्चन कर सकते हैं, और स्टडी के रिलेटेड आपको जब चैनल बनाएंगे तो वो आपको बताएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।